टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के लोकप्रिय कार्यक्रम कवियों की महफिल में दर्शकों आपका पुनः स्वागत है। इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ एक बहुत अच्छे कवि जो बहुत अच्छे मुक्तक लिखते हैं, बहुत अच्छे छंद लिखते हैं, बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और हमारे हरदिल अजीज राजू चौरसिया जी उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि से राजू चौरसिया जी का नमस्कार सर। राजू भाई देशभक्ति से ओतप्रोत कविताओं को लिखने में माहिर हैं और इनकी बहुत सारी लोकप्रिय कविताएं हैं। उसमें मुझे स्मरण है कविता ऐसी जो एक छंद ऐसा एक मुक्तक ऐसा जो मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा राजू जी के मुखारविंद से। मुझे एक बात स्मरण है राजू भाई, एक भारत में जब आजादी का आंदोलन चल रहा था तो आजादी के आंदोलन के दरमियान भारत के क्रांतिकारी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम का नाद करते और उनके इस नाद पर अंग्रेज बौखला जाते थे। वाह। और आपको ये रहस्य की बात बता रहा हूँ राजू भाई कि अंग्रेज बौखला क्यों जाते थे, भारतीय क्रांतिकारियों की पीठ पर कोड़े क्यों बरसाते थे, क्योंकि भारत का क्रांतिकारी जब वंदे मातरम कहता अंग्रेजों का प्रोनंसिएशन कमजोर था, उच्चारण जिसे उर्दू में तलफूस कहते हैं वो कमजोर था। अंग्रेज जब उसको दोहराते तो बोलते थे वंदे मातरम क्या बात है, वन डे में टू रन, एक दिन हमें यहां से भागना है और बस इसी बौखलाहट में। वाह वाह साहब, पलोर साहब वाह। इसलिए मैं इन शब्दों के साथ आपको आमंत्रित करता हूं कि कौम के खादीम की है अक्सीर वंदे मातरम और है इधर भी बेकसों का तीर वंदे मातरम। अरे दहलते अंग्रेज थे सुनकर उस आवाज को जब बोलती थी जेल में जंजीर वंदे मातरम। वाह 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 बलोर साहब, क्या बात है। तो आइए राजू भाई हमारे दर्शकों तक आपका वो वंदे मातरम वाला मुक्तक जरूर पहुंचाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूं और टैलेंटेड इंडिया के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं। एक मुक्तक के साथ अपनी बात रखता हूं। स्वागत। कि जिस माँ की गोदी का साहस दुश्मन पर इतराता है, जिस माँ की गोदी का साहस दुश्मन पर इतराता है, जिसके खून का कतरा कतरा वंदे मातरम गाता है, अरे जिसने अपने बेटे को सरहद पर भेजा लड़ने को, वो इस भारत देश की सच्ची देवी भारत। उसमें भारत माता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने अपने बच्चों को सरहद पर लड़ने के लिए भेजा है। बहुत खूब। मेरी एक सैनिक से मुलाकात हुई, मैंने कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं देश में, तो बोले आप लोग सुकून से रहिए, ऐसो आराम से रहिए, हम सरहद पर बैठे हुए हैं, किसी की आत्मा दिल को कभी दुखने नहीं दूंगा। वो सैनिक की आवाज थी। किसी की आत्मा दिल को कभी दुखने नहीं दूंगा, बढ़ाए जा कदम अपना कभी रुकने नहीं दूंगा। क्या बात। मैं सैनिक हिंद का सरहद पर अपना सिर कटा सकता, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं दूंगा। जब से हमारे देश में मोदी जी का शासन आया है तब से देश दुनिया को खौफ हो गया है। मैं एक छंद रखना चाहता हूं कि भारत की आन मोदी दुनिया की शान, मोदी देश के गद्दारों पर दहाड़ने को आ गया। भारत की आन मोदी दुनिया की शान, मोदी देश के गद्दारों पर दहाड़ने को आ गया। वो हाथ शमशीर नहीं वीर महावीर नहीं, बिन हथियार रौद झाड़ने को आ गया। वाँ वाँ वाँ। मोदी जी ने किसी के साथ बुरा नहीं किया है, 370 धारा हटी कोई झगड़ा नहीं, राम मंदिर का विवाद खत्म हुआ कोई झगड़ा नहीं, लेकिन तकलीफ उनको है जो देश की खाते हैं, मेरे ही घर में रहकर मुझसे ही मतभेद करते हैं, मगर हम उनकी बातों पर हमेशा खेद करते हैं, ना उनमें न्याय है नीति, ना उनमें प्रेम है प्रीति, वो जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तब कहना पड़ता है के भारत की आन मोदी दुनिया की शान, मोदी देश के गद्दारों पर दहाड़ने को आ गया। और हाथ शमशीर नहीं वीर महावीर नहीं, बिन हथियार रौब झाड़ने को आ गया। आतंकियों को मारा कश्मीरियों की धारा, झूठा इतिहास सारा फाड़ने को आ गया। ओ पाकिस्तान भौंक रहा, चीन वहां चौंक रहा, पाक पोक में तिरंगा गाड़ने को आ गया, पाक पोक में तिरंगा गाड़ने को आ गया। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, ये भारत के उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो
देश में रहकर देश के साथ गद्दारी करते हैं, उनसे मैं फिर भी एक, और हमारे मोदी जी ने इस अभियान को चलाया है कि देश में एकता से रहें, एक रहें, सभी सद्भावना से रहें, धर्म जाति से मतभेद ना करें, सभी एक रहें, तब मैं कहना चाहता हूँ कि है मोहब्बत कीमती दो भाग में ना बांटिए। वाह, कौमी एकता। हाँ, है मोहब्बत कीमती दो भाग में ना बांटिए, नफरतों से न्याय की दीवार को ना पाटिए, अरे दर्द की सहनाइयों में आंसुओं की धार है, जिंदगी छोटी है इसको मुस्करा कर काटिए, जिंदगी छोटी है इसको मुस्करा कर काटिए। एक बात कहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम दो दिल एक जान हो जाए, वाह वाह, तो दुनिया में प्यारा हिंदुस्तान हो जाए। क्या बात है। हिंदू मुस्लिम दो दिल एक जान हो जाए तो दुनिया में प्यारा हिंदुस्तान हो जाए। आस्था पीछे खड़ी क्यों आत्मा रोती, अरे हम दोनों के प्यार में तलवार क्यों होती। वाह, आस्था पीछे खड़ी क्यों आत्मा रोती, हम दोनों के प्यार में तलवार क्यों होती। खून के रंग एक अपने फिर जुदा कैसे, और राम से नफरत करे तो खुश खुदा कैसे। खून के रंग एक अपने फिर जुदा कैसे, राम से नफरत करे तो खुश खुदा कैसे। वो आरती को तुम करो तो हम अजान को, और रामायण को तुम पढ़ो तो हम कुरान को। जाति धर्म दोनों एक समान हो जाए तो दुनिया में प्यारा हिंदुस्तान हो जाए। आज हमारा देश शिक्षा में आगे, संस्कार में आगे, विज्ञान में आगे, सब चीज में आगे। जब हमारे देश के बच्चे पढ़ लिख कर अनंत ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, नील गगन की ऊंचाइयों पर पहुंचते हैं, तो ये चांद सितारे भी उनसे बात करते हैं। कहते हैं लग रहा तू ज्ञान के सागर में गोता खा गया। ये चांद सितारे हमारे बच्चों से पूछ रहे हैं कि लग रहा तू ज्ञान के सागर में गोता खा गया, या कोई विज्ञान का मानव तुझे पहुंचा गया। अरे चांद तारे पूछते बच्चों से तेरा नाम क्या, तू धरा से उड़ के कैसे आसमां पर आ गया। तू धरा से उड़ के कैसे आसमां पर आ गया। बच्चे कहते हैं कि खुलेंगे पंख जमाना उड़ान देखेगा। वाह, मैं भारत का लाल हूं, देश दुनिया में नाम कर सकता हूं। तब कहते हैं बच्चे कि खुलेंगे पंख जमाना उड़ान देखेगा, चांद तारों के साथ आसमान देखेगा, मेरी बुलंदियों की आजमाइश मत करना, मेरे अभियान को सारा जहान देखेगा, मेरे अभियान को सारा जहान देखेगा। एक मैं छंद रखना चाहता हूँ, पुराना समय याद आया। स्वागत। बच्चों की बात कर रहा था तो मुझे अपना बचपना याद आया। जब मैं पढ़ने जाता था तो एक झोला लेके रखता था, उसमें एक स्लेट रहती थी, उस स्लेट में एक बढ़ती रहती थी पेम, और उसमें एक कलम दवात, आपका समय आपको भी याद आ रहा होगा, उस समय एक कलम दवात रहती थी, तो उसमें एक छंद देखिए मैंने लिखा है, शायद ये छंद आपको बहुत पसंद आएगा। कि थैले में किताब एक, गिनती पहाड़े नेक, समझना थी सोचने का मजा और था। मास्टर साहब पीछे से मारते थे, बोले दो और दो, तो हम बता ही नहीं पाते थे कि चार। लेकिन आज देश कितना तरक्की कर रहा। थैले में किताब एक, गिनती पहाड़े नेक, समझना आती सोचने का मजा और था। एक साथ खाते रहे, पिटते पिटाते रहे, चिमटी तमाचा लोचने का मजा और था। वो दादा स्कूल आते, मास्टर जी सुनाते, एक दूसरे के टोचने का मजा और था। वो कलम दबात से रंगे थे दो ही नीले हाथ, थूक से स्लेट पहुंचने का मजा और था, थूक से स्लेट पहुंचने का मजा और था, थूक से स्लेट पहुंचने का मजा और था। बेशक बाल्यकाल की, बचपन की इन सुनहरी यादों में आपने अपने काव्य पक्ष को जिस तरह से उजला किया है, निसंदेह इस उजले पक्ष की यादों में हमारे श्रोता गोता लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते गए आपने अपने छंदों से, मुक्तकों से, अपनी बातों से, अपनी रचना धर्मिता से टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के दर्शकों तक जो बातें पहुंचाई वो लाजवाब है, वो स्तुत्य है, वो सराहनीय है। और मैं टैलेंटेड इंडिया न्यूज चैनल के इस लोकप्रिय कार्यक्रम कवियों की महफिल में आपका अभिवादन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत बहुत टैलेंटेड इंडिया पलोड़ साहब, आपके लिए बहुत बहुत बधाई, और यूं ही देश दुनिया में टैलेंटेड इंडिया का नाम बना रहे हैं। आप भी तरक्की करें, आप नए नए नवोदितों के लिए समय दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उन सभी के लिए मेरी बहुत बहुत बधाई, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत। अगर
आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।